मेरा सादर प्रणाम है। आप लोगों को शायद मालूम नहीं होगा, लेकिन हमारे बचपन के कई साल मैं इस रोड पे आया गया हूँ। कक्षा 6, 7, 8 की पढ़ाई मैं मऊ से जाकर के रसरा में करता था, शहीद इंटर कॉलेज में। और उन दिनों पैसा पकवा इनार रतनपुरा ये सब जो है बस की यात्रा करते करते 3 साल में लगातार हर हफ्ते हम आते जाते थे। और पैसा में कई बार रुकना हुआ है, यहाँ की मूँगफली, यहाँ का पकौड़ी, यहाँ का या समोसा, केला खरीद के खाना, ये मुझे एकदम अच्छे से याद है कि मैं बचपन में जब बस रुक जाती थी तो हम लोग दो आना चार आना जो पॉकेट में होता था वो लेकर के उतरते थे और यहाँ मूँगफली खाते थे। तो आप सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत नमस्कार। हमारे लायक यहाँ के कुछ भी करने लायक होगा तो आप जरूर हमको बताते रहिएगा, आप बताइएगा, लिख के भी दे दीजिएगा। आज मुझे रसरा तक जाना है तो आपको जो भी हमारे ध्यान में लाने जैसा हो आप फटाफट हमको बता दीजिए। माननीय मंत्री जी, हमारे गांव का थोड़ा मामला है, हल्की हवा सर चलती है तो लाइन सर कट जाती है, हल्की बारिश होगी श्रीमान जी लाइन कट जाती है, उसको ठीक करवा दिया जाएगा, उसको ठीक करवा दिया जाएगा। बड़े नाली की समस्या है, यहाँ सब लोग जूझते हैं, 10-15 गाँव का पानी सर पासा में इकट्ठा हो जाता है और सर 3 महीने तक हम लोग जूझते हैं पानी का, सर निकास का ग्राम पंचायत है और यहाँ व्यापारी बाहर से लोग आकर बसे हैं, मकान बना बना कर लोग रहते हैं, उनके पानी की निकासी कोई व्यवस्था नहीं है। हम अवश्य दिखवा लेंगे पानी की निकासी का और बिजली। मंत्री जी, यहाँ पर विकास के लिए लोग आपको रोके जी, और नाली की भी नाला की मांग की बात हुई, अपने नाली और बिजली की भी यहाँ समस्या है, जो दोनों बातों को आगे हम देख लेंगे। यहाँ पर कटौती होती है ज्यादा पासा में, कि आप माननीय मंत्री जी का आशीर्वाद प्रदान हो, आप 500 बजाओ वासियों को जिंदाबाद जिंदाबाद।